एवरीवन, बहुत ही बेहतरीन बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनी है गर्मा गर्म चावल के साथ। और ये हमने 250 ग्राम बेसन में थोड़ी सी आधा चम्मच हमने सेंधा नमक डाला है, और सेंधा नमक के साथ साथ हमने हल्दी डाला है आधा चम्मच, और एक चुटकी बेकिंग सोडा। बहुत ही बेहतरीन बना है, और उसको फेंट लिया है और छोटे छोटे पकौड़िया बना लिया एकदम हल्के हल्के बॉल्स में। और उसके बाद फिर हमने दही में फेंट करके बेसन को ये कड़ी पंचफोड़न में हमने जीरा डाला है, काला जीरा, और ये सौंफ, जीरा, ये सारी चीज़ें थी। पंचफोड़न से छोंकने के बाद तेज पत्ता भी छोंका है। उसके बाद फिर सबसे आखिरी में हमने सरसों, करी पत्ता और हरी मिर्च से हींग से छोंक दिया। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी। सो मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। हेलो एवरीवन, आज मैं तड़का लगाने जा रही हूँ कढ़ी का। और 250 ग्राम हमने बेसन ले लिया था, और उसमें आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सेंधा नमक और 1/3 चम्मच बेकिंग सोडा डाल के हमने पका लिया है। और आइए देख लेते हैं। और छोटे छोटे पकौड़िया बना लिए बिना दही डाल के फेंट के। और जब दही में पक गया है इस तरह से फुली फुली पकौड़िया एकदम नरम नरम, और इसको अब बॉयल होने देते हैं। और साथ में 5 फोड़न से हमने छौंक लगाया है तेज पत्ता, हरी मिर्च, और 5 फोड़न यानी कि मेथी, सरसों, जीरा और पीला सरसों, काला सरसों और मंगरेल, ये सारी चीज़ हमने छौंक लगाया है। अब हम इसका तड़का लगाने जा रहे हैं। तो करीब 1 चम्मच हमने सरसों दाना लिया पीला, और आधा ढक्कन हम हींग डाल देते हैं। इसके साथ साथ हम डालेंगे करी पत्ते, और साथ में डालेंगे थोड़ा सा गैस ऑफ करने के बाद ये कश्मीरी लाल मिर्च, इससे भी थोड़ा बहुत ही अच्छा टेस्ट में। तो 5 से 8 मिनट तक ये पक चुका है, और बहुत ही बेहतरीन कढ़ी बन के तैयार है। 250 ग्राम हम दही को बहुत बेहतरीन पका लिया था। अब गैस को कर देंगे ऑफ, और ये छौंक लगा देते हैं। बिना प्याज लहसुन के इतनी बेहतरीन कढ़ी बन के तैयार है। सो फ्रेंड्स, लाइक करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा इतनी हेल्दी कढ़ी के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हेल्दी एंड स्टे हेल्दी।